देखिए, इन हालात में जब मुजाहरे वगैरह होते हैं और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाती है, तो फिर हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम सवारी तक अप्रोच नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे होता है कि हम लोग बस जा रहे होते हैं और सवारी हमारी ग्रीन हेलमेट देखती है और हम तक खुद अप्रोच करती है, और बस कभी 2 किलोमीटर का बाद, कभी 5 किलोमीटर बाद, कभी 10 किलोमीटर बाद ऐसे हमें सवारी मिलती है। जाहिर सी बात है, जब नेट ना चले तो हमारा काम कैसे चलेगा। हम तो ऑनलाइन बाइक चलाते हैं, तो सर जब बाइक नहीं, ये नेट ना हो तो हमारे तो बहुत सारे मुश्किलात होते हैं। इन एहतजाजी मुजाहरों के दौरान और हड़ताल वगैरह के दौरान जो ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा है, इसमें दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम सवारी से एक किराया तय कर लेते हैं, ठीक है, और जब हम ज़ाहरी बात है उसको लेके जा रहे होते हैं तो रास्ते बीच में ब्लॉक होते हैं, तो फिर हमें काफ़ी घूम घुमा के जाना पड़ता है। लेकिन सवारी यही है कि जो उसने बात की होती है, जो हमारा फाइनल हुआ होता है, वही किराया हमें दिया जाता है। और दूसरा फिर आपको पता है कि हमें भी मजबूरन ये काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारा भी जो घर का टोटली सर्कल है वो इसी पे चल रहा है, इसके अलावा हमारा और कुछ सेकंड ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो मजबूरन हमें फिर ये करना पड़ता है। बहुत सारे मुश्किलात होते हैं, जगह जगह पे रोड बंद है, जगह जगह पे रुकावटें खड़ी है, रश होता है, लोग तो निकलते नहीं है घरों से, फिर हम कैसे सवारी उठाएँ। और अगर हमारे साथ कस्टमर होता है, हमें एक जगह जाने के लिए तो आधा घंटा चाहिए होता है, मगर हमें 2-2 घंटे 2.5 घंटे रोडों पर लगते हैं, क्योंकि गर्मी भी होती है और ज़ाहिर बात है रोड ब्लॉक होते हैं, हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। ये तो बहुत सारे मुश्किलात है। हुकूमत को ये करना चाहिए कि ये रुकावटें वगैरह ये नहीं डालनी चाहिए लोगों के लिए, लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना है। इंतज़ामिया से यही है कि इस सर्विस को, इंटरनेट सर्विस को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, और आइंदा भी ऐसे मुजाहरों के दौरान इसको चलते रहना चाहिए, इंटरनेट सर्विस बहाल रहनी चाहिए, ताकि गरीब बंदे का जो रिस्क है वो कम ना हो।